आज की रात मजा इस प्रॉब का मेरे साथ लीजिए, आज की रात मजा इस प्रॉब का मेरे साथ लीजिए, वक्त बर्बाद न कर बिन बात की सोनी स्टार्ट कीजिए, वक्त बर्बाद न कर बिन बात। थोड़ा प्रेम आर लेडीज एंड थ्री आर मेन, बहुत प्रॉब्लम का लैंग्वेज बहुत बड़ा है, देख के घबरा मत जाइएगा। तो सोचिए हम जैसे कि ले लिए हैं एग्जाम्पल, गाना से शुरू किए हैं हम रीजू का, तो यहाँ पे सोचिए ये एक्स है राजकुमार राव और ये वाई है इसका वाई प्रश्न की सरकार, तो उन दोनों के बीच में शादी हो गया, तो दे थ्रो ए पार्टी, शादी में तो पार्टी बनता ही है ना। तो राजकुमार राव का 7 दोस्त है, उसमें से 4 है लेडी, 3 है मेन, 3 पुरुष है और 4 है लेडीज। हिज वाइफ श्रद्धा कपूर जी का 7 दोस्त है, 7 फ्रेंड्स, 3 ऑफ देम आर लेडीज एंड 4 आर मेन। श्रद्धा जी के 7 दोस्तों में से 3 है लेडीज 4 है पुरुष, और ये भी अज्यूम करना है, अज्यूम एक्स एंड वाई दैट इज राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर हियर हैव नो कॉमन फ्रेंड्स, उस लिस्ट में कोई कॉमन फ्रेंड्स नहीं, सब अलग अलग। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच एक्स एंड वाई दैट इज राजकुमार राव सदन टुगेदर कैन थ्रो ए पार्टी इनवाइटिंग 3 लेडीज एंड 3 मेन, तो वो एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं टोटल 6 जन को, जिसमें 3 हो गए लेडीज और 3 हो गए मेन। So that 3 friends of each of X and Y are in this party. बहुत important point. ऐसे 6 को हम invite करेंगे, 3 होगा श्रद्धा जी के दोस्त और 3 होगा राजकुमार जी के दोस्त, ठीक है, तो टोटल 6, उनमें से 3 होगा मेन 3 होगा फीमेल। उस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। X, Raj, has 7 friends, out of which male कितने हैं? 4 of them are ladies, 3 are men. So 3 male and lady 4. Wife, his wife. उनका भी 7 दोस्त है, उनमें से क्या क्या ऑप्शन है? His wife, wife, 3 of them are ladies, lady 3 and men 4 are men. Assume that X and Y have no common friends. Important condition. There's a total number of ways in which X and Y together can throw a party, including 3 ladies and 3 men. So total invite कितने को करेंगे? 3 plus 3, 6. 3 है male, 3 है female. Okay. So that 3 friends of each means Shraddha ji के 3 दोस्त आएंगे और राजकुमार जी के भी 3 दोस्त हैं। तो केस क्या क्या यहाँ पे जनरेट हो सकता है? केस वन, केस वन इधर ले लेते हैं, जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि हम 3 मेन जो लेना है ना, 3 मेन, 6 में से 3 मेन हम राजकुमार जी के
दोस्तों से ही बुला लो, बुला लो, ठीक है। थ्री मैन यहाँ से उठा, तो थ्री मैन से थ्री मैन कैसे सिलेक्शन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑब्वियसली चॉइस करना है तो हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है, राइट। We are at the lecture number 19 maybe of permutation and combination chapter. So you should not be worried about selection, the selection of formulas, right? So 3C, 3U. तीन आदमी को या तीन मेल को हम तीन मेल से सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं 3C, 3U. और this each ways of this 3C, 3U's हमें और भी कितना, छह जन को अगर इनवाइट करना है और तीन को सिलेक्ट करना है, मगर छह में से तीन है लेडी, तीन है मेन, तो तीन मेन तो हो गया, तीन मेन तो हो गया, और तीन को लेना है, वो तीन कौन हो गए, लेडीज हो गए। और एक बात इंपॉर्टेंट बात, तीन आएंगे राजकुमार जी के दोस्त से और तीन आएंगे श्रद्धा जी के दोस्त से, तो ये तीन मेन हमने राजकुमार जी से उठा लिया, उनके दोस्त से उठा लिया, तो तीन फीमेल ऑब्वियसली हमें कहां से उठाना है, कहां से सिलेक्शन करना है, श्रद्धा जी के दोस्त से। तो थ्री लेडी से थ्री लेडी हम थ्री सी थ्री वोज में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया केस नंबर वन, तो ये थ्री सी थ्री मीन्स वन टू वन और टू वन। नाउ केस टू, केस टू क्या हो सकता है, केस टू हम पहले केस में जैसे तीन मेरी यहां से लिए थे राजकुमार जी के दोस्त से, अब हम केस टू में क्या करेंगे, राजकुमार जी के दोस्त से मेल दोस्त से दो मेल को लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, टेल मी, टेल मी इफ यू ऑलरेडी गेस्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट करने में क्या रहता है, इसमें मेरा घाटा आपका कुछ नहीं जाता, कमेंट कमेंट। तो तीन मेल से हम दो मेल को सिलेक्ट करेंगे 3C2 ways, राइट। और हमें और एक मेल चाहिए क्योंकि छह जन जो हम इनवाइट करने वाले हैं, जो पार्टी थ्रो करे हैं श्रद्धा जी ने और राजकुमार जी ने, उसमें थ्री मेल होगा थ्री लेडीज होगा, तो दो मेल हमने ले लिया राजकुमार जी के दोस्त से, और एक मेल लेना है तो कहां से लेंगे, श्रद्धा जी के दोस्त से। तो श्रद्धा जी के चार मेल दोस्त है, ठीक है, पुरुष दोस्त है चार, तो फोर से हम एक को सिलेक्ट करेंगे 4C1 में। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द लेडीज बिकॉज वी हैव टू थ्रो पार्टी, वी हैव टू इनवाइट थ्री मेन थ्री मेल, थ्री मेल एंड थ्री फीमेल, तो थ्री फीमेल हम कहां से ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो हो गया राजकुमार जी का दोस्त, एक हो गया श्रद्धा जी का, तो हमें और दो दोस्त है, यहाँ पे दो मेल हो गया, दो मेल हो गया राजकुमार जी से, तो हम एक मेल कहां से ले लिए, श्रद्धा जी के दोस्त, तो तीन मेल का कॉन्डिशन। अब हमें थ्री फीमेल है, तो थ्री फीमेल हम यहां से ले सकते, राजकुमार जी के दोस्त से हम तीन फीमेल ले लेंगे तो यहाँ पे राजकुमार जी का कितना दोस्त इनवाइट हो जाएगा, यहाँ पे दो मेल और तीन फीमेल पांच, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्डिशन में दिया हुआ है क्या कि तीन दोस्त आएंगे श्रद्धा जी के तरफ से, तीन दोस्त आएंगे राजकुमार जी की तरफ से, तो यहाँ पे बहुत माइनर प्लीज को समझना है। देखिए दो मेल मैंने ले लिया राजकुमार जी की तरफ से, तो मुझे और एक मेल चाहिए छह जन में इनवाइट करने के लिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कि तीन मेल आएगा तीन मेल आएगा, तो एक मेल हम ले सकते हैं श्रद्धा जी की तरफ से, चार से एक को सिलेक्ट करेंगे, तो हम दो दोस्त जो है मेल और राजकुमार जी से ले लिए, तो और एक दोस्त चाहिए राजकुमार जी से, तो एक लेडी हम यहाँ से उठा लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सॉरी
तो चार लेडी है यहाँ पे राजकुमार जी की तरफ से, फोर से वन क्वेश्चन में हम इसको ले लिए। अभी भी दो फीमेल को हमें दोस्त को इनवाइट करना है तो फुलफिल दिस कंडीशन, छह लेडी थ्री, तो वो दो कहाँ से लें? ऑब्वियसली श्रद्धा जी की तरफ से, श्रद्धा जी की तरफ से जो दोस्त की लिस्ट है उससे लेंगे। तीन फीमेल हमारे हाथ में है, हम दो को चूज करेंगे। आप ये समझिए तो सोचिए प्रॉब्लम खत्म, हमने जंग जीत लिया। अगर ये नहीं समझे तो वॉच द वीडियो अगेन दिस पोर्शन, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन अगेन दिस पोर्शन। केस टू, यहाँ पे हम केस वन में क्या किए थे, तीन मेल तीन राजकुमार जी से ही ले गए जी सी जी हुए, तो तीन फीमेल और लेना है तो वो श्रद्धा जी की तरफ से ले लिए थ्री सी थ्री वेज में। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि टोटल छह जन को इनवाइट करना था, तीन तीन टोटल छह जन को इनवाइट हो गया, छह में से तीन हो गया मेल, तीन हो गया फीमेल, वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। और ये भी सेटिस्फाइड हो गया कि तीन मेल जो आ रहा है, तीन दोस्त आएगा राजकुमार जी की तरफ से, और तीन फीमेल जो आ रहा है वो हम लिए श्रद्धा जी की तरफ से, तो तीन दोस्त आ गया श्रद्धा जी का, तीन दोस्त हो गया राजकुमार जी का, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था। अब केस टू में क्या है, केस टू में हम क्या कर रहे हैं, जो तीन मेल हमें सिलेक्ट करना है, दो मेल हम सिलेक्ट कर रहे हैं राजकुमार जी की तरफ से, तो तीन मेल से दो किसी को वैसे ना, और एक मेल को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें टोटल तीन मेल को इनवाइट करना है, तो वो लेंगे हम श्रद्धा जी की तरफ से। श्रद्धा जी की तरफ से चार मेल है, मेल दोस्त है, मेल दोस्त, तो उनमें से फोर सी वन वेज में हम एक को सिलेक्ट कर लिए, तो अब हमें मेल तो हो गया खत्म, अब हमें फीमेल को सिलेक्ट करना है। तो फीमेल को जब सिलेक्ट करेंगे, एक बात दिमाग में रखना है कि राजकुमार जी की तरफ से तो दो हम मेल में दो दोस्त सिलेक्ट कर चुके हैं, तो राजकुमार जी की तरफ से हमें और कितना दोस्त सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक ऑनली एक दोस्त हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो फीमेल, वो भी फीमेल। तो फीमेल कितने हैं राजकुमार जी के फीमेल दोस्त, चार, तो चार से एक वन, तो एक फीमेल दोस्त राजकुमार जी के तरफ से हो गया, दो मेल दोस्त हो गया, तो तीन दोस्त हो गया राजकुमार जी के, तो और रिमेनिंग तीन फीमेल तीन दोस्त को सिलेक्ट करना है। देखिए एक दो मेल हो गया राजकुमार जी के तरफ से, एक फीमेल हो गया राजकुमार जी के तरफ से, तो तीन दोस्त हो गया राजकुमार जी के तरफ से, मगर दो मेल के अलावा भी और एक मेल को सिलेक्ट करना है क्योंकि टोटल तीन मेल को इनवाइट करना है, तो वो एक मेल हम लेंगे श्रद्धा जी के तरफ से। श्रद्धा जी के तरफ से चार मेल है, तो एक को लेंगे फोर सी वन। नाउ टू वन थ्री मेल का कंडीशन, तो थ्री वुमेन को लेना है, एक तो ले चुके हैं और एक को लेंगे दो, तो ले लिए कैसे थ्री सी टू वेज में। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ केस फोर, केस थ्री, केस थ्री में क्या हो रहा है, हम तीन मेल राजकुमार जी की तरफ से, तीन मेल तो है, तीन मेल दोस्त, उससे हम एक मेल को ले थ्री सी वन, तो हमें और दो मेल चाहिए, और दो मेल कहाँ से हम सिलेक्ट करें, कहाँ से इनवाइट करें, श्रद्धा जी की तरफ से। चार मेल हैं, दो को हम इनविटेशन दे सकते हैं। नाउ मेल तो हो गया, तो एक हो गया मेल श्रद्धा जी की तरफ से, तो सत्य राजकुमार जी की तरफ से, तो राजकुमार जी का एक दोस्त को हम बुला लेंगे, और दो दोस्त को हमें बुलाना है, तो वो फीमेल दोस्त हो गए, चार फीमेल दोस्त हैं राजकुमार जी के, उनमें से हम दो को बुला लिए, दो को अगर बुला लिए तो दो प्लस एक तीन, राजकुमार जी का दोस्त तीन आ गए, इनविटेशन ले लिए, तो बाकी जो एक दोस्त होगा, देखिए दो प्लस एक तीन राजकुमार जी की तरफ से दोस्त आ गए, और तीन आएंगे श्रद्धा जी की तरफ से, दो ऑलरेडी आ चुके हैं और एक को लेना है,
वो एक फीमेल लेना है, फीमेल कितना है सत्ताईस के वन थ्री थ्री सी वन। मुझे पता है कि थोड़ा कॉन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, अगर बारीकी से समझना है तो थोड़ा लंबा जाएगा, जिन लोगों को ऑलरेडी समझ आ चुका है वो YouTube प्लेयर में स्पीड थोड़ा बढ़ा दे 1.5x कर, ठीक है। तो जो लोग को अभी भी समझ नहीं आ रहा फिर से ये केस थ्री हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केस थ्री में हम क्या किए, राजकुमार जी की तरफ से तीन मेल जो है एक मेल को हम थ्री सी वन वाइज में ये कर सकते हैं क्योंकि हाथ में तीन ऑप्शन है, भेजना है एक को इन्वाइटेशन थ्री सी वन। इसके बाद दो मेल को और भी कुछ चूज करना है, क्योंकि कंडीशन तो है छह को इन्वाइटेशन देना है जिनमें से तीन होगा मेल तीन होगा, तो दो को कहां से सिलेक्ट करें, दो को कहां से सिलेक्ट करें, श्रद्धा जी से, ये राजकुमार जी से हो गया, ये मेल राजकुमार जी से मेल हो गया, ये श्रद्धा जी से मेल कैसे करें, चार मेल है श्रद्धा जी की तरफ से चार, तो उनमें से दो को सिलेक्ट करें कैसे, फोर सी टू एस ऐसे लिख दिया आठ मेल एस मेल, दूसरा राजकुमार राव की तरफ से मेल श्रद्धा जी की तरफ से, ठीक। उसके बाद अभी तो फीमेल सिलेक्ट करना है ना, फीमेल सिलेक्ट करना है वो भी तीन सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट करना है कि राजकुमार जी की तरफ से एक दो मेल ठीक से दिखाए, मेल राजकुमार जी की तरफ से एक दोस्त तो सिलेक्ट हो गया, दो को और भी सिलेक्ट करना है क्योंकि राजकुमार जी की तरफ से दो तीन दोस्त टोटल आएंगे, तो यहाँ पे फीमेल हम राजकुमार जी की तरफ से कितना लेंगे, दो, तभी होगा दो फीमेल एक मेल राजकुमार जी की तरफ से, तो टोटल तीन दोस्त राजकुमार जी का हो गया। सो दो फीमेल लेंगे हम, कैसे फीमेल दोस्त कितने हैं राजकुमार जी के चार, उनमें से दो कैसे लेंगे, फोर सी टू, ये राजकुमार जी का फीमेल फ्रेंड हो गया। अब तो समझ में आएगा, कुछ भी कर लो अब तो समझ में आएगा ही, आर फीमेल राजकुमार जी का फीमेल दोस्त दो हो गए, तो और कितना ऐसे हो, ये भी मेल फीमेल दो एक तीन मेल हो गया। अभी राजकुमार जी की तरफ से फीमेल दोस्त दो को इन्वाइट कर दिया और भी एक को फीमेल को इन्वाइट करना है, वो कहां से दे, राजकुमार जी की तरफ से दो प्लस एक तीन हो गया, और ज्यादा नहीं कर सकते नहीं तो श्रद्धा जी रुट जाएगी, शादी होते होते ही झगड़ा लग जाएगा, तो और एक दोस्त हम कहा से लेंगे, श्रद्धा जी की तरफ से, श्रद्धा जी की तरफ से वो भी फीमेल दोस्त, क्योंकि दो को यहाँ पे लिया और एक फीमेल लेना है, तो तीन दोस्त श्रद्धा जी के है फीमेल, उनमें से एक कैसे लिए थ्री सी वन वाइज में, ये हो गया फीमेल श्रद्धा जी के तरफ से फीमेल। तो देखिए राजकुमार जी की तरफ से मेल एक, राजकुमार जी की तरफ से फीमेल दो, तो टोटल तीन दोस्त हो गया राजकुमार जी का, जो को जिन लोगों को इन्विटेशन भेज दिया जाएगा, और श्रद्धा जी की तरफ से दो और दो मेल एक फीमेल ले लिया, तो टोटल तीन दोस्त हो गए श्रद्धा जी की तरफ से जिन लोगों को इन्विटेशन भेजा जाएगा। तो ये हो गया केस थ्री, अब तो कुछ भी हो जाए अब लोगों को आई नो समझ में आया। केस फोर, केस फोर में क्या होगा, पहले तीनों मेल यहाँ से लिए थे, उसके बाद दोनों मेल यहाँ से लिए, उसके बाद एक मेल यहाँ से लिए, अभी क्या करेंगे, एक भी मेल यहाँ से नहीं लिए, सभी मेल श्रद्धा जी की तरफ से ले लिए, तो ऐसे कैसे होगा, फोर थ्री थ्री, क्योंकि तीन मेल को ही तो इन्विटेशन भेजना है, तो ये और हो गया श्रद्धा जी से मेल के, श्रद्धा जी मेल फ्रेंड से थी, तो श्रद्धा जी की तरफ से मेल फ्रेंड ने दिया, तीन को इन्वाइट कर दिया, अभी तीन फीमेल को इन्वाइट करना है, टोटल तीन मेल और तीन फीमेल को टोटल छह जन को इन्विटेशन देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वो तीन फीमेल कहाँ से लेंगे, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ऑब्वियसली राजकुमार जी से, तो कितना है उनका फीमेल फ्रेंड चार, उनमें
से लेंगे कितना, तो ये हो गया पास्ट टेंस। और कुछ केस होगा, अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे पता है नहीं होगा। ठीक, तो अभी इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे 3c2 means 3 into 2 by 2, 4c1 means 4, similarly 3 into 2 by 2, so 2 cancel out, so 4 into 4, 16 is 9, okay, 16 is 9, okay. In this case, total 3c1 means 3, 4c2 means 4 into 3 by 2, 4 into 3 by 2 into 3, so equal to 2, so 3, 9, 18, 2 cancel out, 6, 18, so 18, 8 to 18, 64, 8, 16, 1. So 4, 6, 22, 2, 3, 22, 3, 24, 3, 24, 4, 22, 2, 3, 23, 24, okay. Now here 16 into 9, so 144. So 144. Here 144, we will add this 144, 324, and here 4c3 into 4c3. Okay, 4c3 means what? 4c, 4 minus 3, 1 into 4c1. So 4 into 4, 16. 4c1 means 4, 4c1 means 4, and 16. But here 1. So total, here we total number of ways. Number of ways. Here 324 plus 144 plus 16 plus 1. 17. So 4, 8. 8, 8, 16, 5, 1, 8, 4. So 485. So we'll check the option 40. So option A will be the correct option. So I know that you have enjoyed this video. समझाने के लिए try किया तो थोड़ा video लंबा हो गया। मुझे पता है कि आप लोग JEE Main के लिए preparation कर रहे हैं। तो इस टाइप का वीडियो, मजेदार वीडियो अगर चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब। और थ्योरम्स एंड ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन, ये सब चैप्टर का भी वीडियोस मेरे चैनल में है। चेक द प्लेलिस्ट सेक्शन, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वो सब वीडियोस को चेक करिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर मेरे इस वीडियो से कुछ सीख पाए या वैल्यू मिला तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बोलते ही रहते हैं, कोई करता तो नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू, बाय।